नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के अंदर चल रहे टॉय क्लस्टर प्रोजेक्ट्स या कहें तो टॉय पार्क्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने बिल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत एवं विश्व पे चाइना की टॉय इंडस्ट्री का प्रभुत्व है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। चाइना के इसी प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत में टॉय इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत बड़े कदम उठा रही है। साथ ही दोस्तों, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की। इसी समय भारत के अंदर टॉय मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भारत में कई जगह टॉय क्लस्टर प्रस्तावित है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा टॉय क्लस्टर की। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ का टॉय क्लस्टर या टॉय पार्क प्रस्तावित है। इस टॉय पार्क प्रोजेक्ट को योगी गवर्नमेंट के नेतृत्व में यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 22 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। दोस्तों, इस टॉय पार्क को ग्रेटर नोएडा के अंदर लगभग 100 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने लगभग 100 एकड़ लैंड ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 33 में आइडेंटिफाइड किया। दोस्तों, इन 100 एकड़ में लगभग 50% लैंड इंडियन टॉय एसोसिएशन ने ऑलरेडी रिजर्व्ड कर लिया है और बचे 50% लैंड यानी कि 50 एकड़ के क्षेत्र में प्राइवेट फार्म्स अपना सेटअप लगा सकती हैं। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को टॉय मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 70 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें दोस्तों ग्रेटर नोएडा के अंदर लगभग 1000 स्क्वायर मीटर से 10000 स्क्वायर मीटर की लैंड की मांग की जा रही है। दोस्तों, टॉय क्लस्टर के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ का खर्च आएगा। साथ ही दोस्तों, इस टॉय क्लस्टर में $488.15 मिलियन इन्वेस्टमेंट की संभावना है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने जुलाई से अगस्त तक टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 155 प्लॉट्स के लिए, जो कि अलग अलग साइज के थे, उनके लिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट का समय दिया था, जिसमें दोस्तों 1 सितंबर तक लगभग 92 एप्लीकेशन प्लॉट्स के लिए आई है, जो कि दोस्तों टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई की गई थी। इसमें दोस्तों फूजो, अंकित टॉयज, टॉय ट्रेजर, फनराइट जैसी कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, एक बार इस टॉय पार्क के ऑपरेशनल होने से लगभग 25,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और वहीं दोस्तों लगभग 3 या 4 सालों के अंदर कई लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत अपनी टॉय इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साथ ही दोस्तों भारत चाइना की टॉय इंडस्ट्री को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है। इसी के तहत दोस्तों ये परियोजना को भी गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे रही है, इस पर दोस्तों तेजी से काम हो रहा है। साथ ही दोस्तों ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी वायु, सड़क, रेल मार्ग से अच्छी है। ग्रेटर नोएडा शहर की कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दिल्ली से अच्छी है। वहीं दोस्तों कुछ ही दूरी पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जो कि दोस्तों इस टॉय क्लस्टर के विकास में अहम योगदान देगा। दोस्तों, इस परियोजना पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी शेयर करूंगा, तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कर्नाटका के अंदर कोपाला टॉय क्लस्टर प्रोजेक्ट की। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने 30 अगस्त 2020 को इस परियोजना को लेकर ट्वीट किया। दोस्तों, कोपाला कर्नाटका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि दोस्तों मोस्ट बैकवर्ड रीजन में से एक है। दोस्तों, कोपाल स्टेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो कि लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, ये टॉय क्लस्टर हुबाली क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो कि दोस्तों कोपाल में है। यहां से दोस्तों बेंगलुरु शहर 350 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस पूरे टॉय क्लस्टर को 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है और इसमें दोस्तों एकोस एरोस्पेस, जो कि कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। दोस्तों, यहां पर इंडियन टॉयज, रीजनल टॉयज का भी निर्माण होगा और माना यह जा रहा है कि इस टॉय क्लस्टर के निर्माण से लगभग 40,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। वहीं दोस्तों 2025 तक इस क्लस्टर से लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलने का टारगेट बनाया गया है। दोस्तों, इस क्लस्टर में लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। दोस्तों, इस क्लस्टर में वुडन एंड ट्रेडिशनल टॉयज, मैकेनाइज्ड टॉयज, एजुकेशनल बिल्डिंग टॉयज, डॉल्स, बेबी, इन्फेंट टॉयज, गेम्स और बहुत सारे पजल्स का निर्माण होगा। साथ ही दोस्तों इसका इम्पोर्ट भारत के अन्य राज्यों एवं विदेशों में भी होगा। दोस्तों, कपाला टॉय क्लस्टर N63 से बेलगावी एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। दोस्तों, इस टॉय क्लस्टर के डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक्वास, जो कि एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, वो कर रही है। वहीं दोस्तों इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा होने पर इस क्लस्टर में इंटरेस्टेड गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल फार्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए इनवाइट की जाएंगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अपडेट आपको हमारे फेसबुक पेज पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये दो बड़े टॉय क्लस्टर प्रोजेक्ट थे, जो कि दोस्तों भारत की टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, इन टॉय क्लस्टर से मेड इन इंडियन बेस्ट क्वालिटी टॉयज का निर्माण हो सकेगा और ये टॉयज विश्व बाजार में भी उतारे जाएंगे।
दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने 16% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट होने वाले टॉयज पर लगा रखी है। साथ ही दोस्तों, भारत ये चाहता है कि भारत अपनी टॉय इंडस्ट्री को मजबूत करे। आज के समय में भारत की टॉय इंडस्ट्री पर 90% चीन का कब्जा है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारी टॉय इंडस्ट्री मजबूत हो, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि सबसे पहले हम चीन के कब्जे को कम करें, इंडिया के अंदर टॉयज की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, इंडियन रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद विश्व बाजार पर मेड इन इंडियन टॉयज उतारे जाएं। इन टॉयज में बहुत सारे टॉयज रीजनल टॉयज होंगे, जो कि दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो करें, वहां पर दोस्तों आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।